नमस्कार दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी की कभी पूजा होते हुए नहीं देखा, जबकि भगवान ब्रह्मा से ही पूरी पृथ्वी की रचना की गई है। जीव जंतु भी उन्हीं से ही आए हैं और उनके ही सर से चार वेद भी हमें प्रदान हुए हैं, फिर भी ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद छिड़ा। विवाद का कारण था कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इस बात को जानने के लिए एक दूसरे में विवाद हो रहे थे, तभी भगवान शिव ने लिंग का अवतार लिया। उन्होंने कहा, जो इस लिंग का छोर पता करेगा वही हम दोनों में श्रेष्ठ होगा, और दोनों विपरीत दिशा में चले गए। दोनों लिंग का छोर ढूंढ रहे हैं, उन दोनों को कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। वह वापस आते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी से कि मुझे छोर तो मिल गया था, पहुंच नहीं पाया। इस बात का साक्षी केतकी को बताते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित होते हैं और वह लिंग रूप से अपने बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि यह सब कुछ आप जो कह रहे हैं यह असत्य है, और यह कहकर ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और केतकी को शाप देते हैं कि वह उनकी पूजा में कभी भी सम्मिलित नहीं होगा। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, उसके बाद माँ सरस्वती को बनाया था। माँ सरस्वती के रूप से वह मोहित हो गई, लेकिन सरस्वती माँ कभी भी ब्रह्मा जी से शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी। उन्होंने अपना रूप बदल लिया। अंत तक ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी। फिर सरस्वती माँ ने गुस्से में आकर उन्हें शाप दिया, कहा कि आपकी कभी भी पूजा नहीं होगी हिंदू धर्म में। कहते हैं बुनियादी इच्छाओं को छोड़ने के बाद भगवान आपको प्राप्त होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा हिंदू धर्म में वर्जित कहा जाता है। ये थे कुछ ऐसे कारण जिस कारण से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।